आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू मेथी की सब्जी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो ये है, यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हुए हैं, ये उबले हुए और क्यूब्स में कटे हुए हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक लिया हुआ है, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मेथी ली हुई है जो कि कसूरी मेथी है, आप ये देख सकते हैं सूखी ड्राई, मतलब ड्राई मेथी है। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है, यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया हुआ है, यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज काटी हुई है जो कि बारीक कटी हुई है, यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर काटे हैं, ये मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया हुआ है, यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च काटी हुई है, यहाँ 1 टीस्पून हल्दी है, यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च है। आप चाहें ज़्यादा स्पाइस चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा बर्तन गरम हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद जीरा प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा और प्याज डालेंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक हल्के हाथों से भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज लाइट ब्राउन होने लगी, अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अपने जितने भी ड्राई मसाले थे उन्हें सबको डाल के अच्छे से भूनेंगे। हमारे मसाले भूनने लगे हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुनने लगे हैं, अब हम इसमें नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, सब मेथी नहीं डालेंगे थोड़ी डालेंगे, इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुन चुके हैं, अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे और मसालों से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेथी की खुशबू आ रही है। अब हम इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि सभी आलूओं पर मसाला लग जाए अच्छे से। हमारी आलू मेथी की सब्जी तैयार है। आप देख सकते हैं कि मसाले में आलू किस तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस पे ड्राई जो हमारी थोड़ी बची हुई मेथी थी हम उस पे गार्निश करके इसको ढक देंगे और सर्व करेंगे। हमारी आलू मेथी की सब्जी तैयार है। ये सब्जी ड्राई होती है, आप इसको पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा।